उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दंगाइयों और उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपट रही है। दो दिन पहले पैगंबर पर बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को ही प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद शनिवार को पुलिस के रडार पर रही आरोपी की बेटी की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि मुख्य आरोपी जावेद की बेटी जेएनयू में पढ़ाई कर रही थी, जिस पर हिंसा के बाद पुलिस की नजर थी। रविवार को मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए पीटीए ने पहले आवास पर नोटिस लगाया था, जिसमें उन्हें आज सुबह 11 बजे तक घर खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि ये अवैध रूप से निर्मित है। पीडीए ने प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रयागराज हिंसा मामले में शनिवार तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, साथ ही सीसीटीवी की मदद से भी अज्ञात आरोपियों की पुलिस पहचान कर रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी के कारण देश भर में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कई जगह हिंसा भी बढ़ गई थी। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में भारी बवाल हुआ था। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर पुलिस और उपद्रवियों के झड़प सामने आई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।